हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है OMCL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 38 मेडिकल ऑफिसर, मैनेजर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 67,700 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका भुवनेश्वर उड़ीसा ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो डिप्टी जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के लिए एक वैकेंसी है। वहीं अगर डिप्टी मैनेजरियल पोस्ट की बात करें तो लीगल के लिए 3 वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर फिनांस के लिए 6 वैकेंसी है, आईटी के लिए 7 वैकेंसी है, सिविल के लिए 4 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 11 वैकेंसी है। वहीं डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए 5 वैकेंसी है। अगर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए 1 वैकेंसी है। वहीं अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने ICAI, ICWAI डिग्री, LLB, बी या BTech, ग्रेजुएशन, MBBS, MSc, MSc टेक या फिर MEM टेक, MBA, MCA या फिर PGDM कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए आपका डिग्री इन लॉ या फिर LLB किया होना आवश्यक है, डिप्टी मैनेजर फिनांस के लिए आपका ICAI या फिर ICWAI किया होना आवश्यक है, डिप्टी मैनेजर IT के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बी या BTech इन CSE या फिर IT से कर रखा है, या फिर MCA या MBA या फिर PGDM इन सिस्टम मैनेजमेंट से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। डिप्टी मैनेजर सिविल के लिए आपका बी या BTech सिविल इंजीनियरिंग से किया होना जरूरी है। वहीं डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MSc, MSc टेक, MTech इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MSc इन केमिस्ट्री से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपका MBBS किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो डिप्टी जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के लिए आपको मिल जाएगी 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको मिलेगी 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के लिए आपकी आयु 47 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 38 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए और ये सभी 31 जुलाई 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लहसन की, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज लहसन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 19 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 18 सितंबर 2023 तक चलेगी। अगर बात कर लेते हैं कि किस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन को सेंड करना है, तो ये एड्रेस है दोस्तों टू द जनरल मैनेजर P&A उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, OMC हाउस भुवनेश्वर 751001। इस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन को सेंड कर देना है। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।